आता नहीं यकीन कैसे क्या गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया साफ कर दो ऑल राइट गाइस, तो आप लोगों ने कुछ इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो देखा ही होगा यार। अभी के टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो आप लोग इस टाइप की वीडियो को किस तरीके से बना सकते हो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और जो इस वीडियो में बर्ड्स हार्ट शेप में है उस वीडियो को किस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर एड कर सकते हो और वो बर्ड्स वाली वीडियो आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करनी है इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा लास्ट तक देखना। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने VN एप्लीकेशन के अंदर। सिंपली से गाइज आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो जो प्लस का आइकन है सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर देना एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज आप लोग अपने गैलरी के अंदर सिंपली से रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है कि अपनी एक वीडियो को ऐड कर लेनी है। आप लोगों की वीडियो ज़्यादा नहीं 9 से 10 सेकंड की होनी चाहिए, ठीक है, उतने की शूट करा लेना। और कुछ इस तरीके से वीडियो होनी चाहिए, थोड़ा आप लोगों की स्काई जो है ना उसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हो गाइज एकदम नॉर्मल सी वीडियो है, इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज इस यहाँ पे देख सकते हो इस बैकग्राउंड वाटरमार्क दे देता है, वाटरमार्क वाला बैकग्राउंड। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे हमेशा की तरह। इतना करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले ना अपनी वीडियो के अंदर स्काई ऐड करना है। ठीक है, तो स्काई किस तरीके से ऐड करना है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो पे बताया, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप टू ऐड स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से वीडियोस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और गाइज यहाँ पे एक स्काई को ऐड कर लेना। ठीक है, जो ये वाली स्काई है, ये वाली स्काई आप लोगों को अगर डाउनलोड करनी है तो जाके सिंपली से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इजीली से डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही ऐड करोगे गाइज इधर लास्ट में आना, यहाँ पे लास्ट के सेकंड में देख सकते हो यहाँ पे मास्क का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली से इस मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन लाइनर पे दो बार क्लिक कर देना। इतना करने के बाद देख सकते हो स्क्रीन पे दो एरो शो हो रहे होंगे, एक अप एक डाउन। तो जो डाउन वाला जो नीचे वाला जो एरो है ना इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से नीचे खींच देना। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से इसको कर देना डन एंड इसको गाइज कुछ इस तरीके से ना यहाँ से जूम करना। ठीक है, जैसे ही करोगे ये देख सकते हो आप लोगों की स्काई जो है बड़ी हो जाएगी थोड़ी एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज डन, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने स्काई को सेट कर दिया। लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ कुछ इतना, ओके। एंड यहाँ पर देख सकते हो स्काई को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर दिया और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। लेकिन गाइज जो मेन चीज़ है हमारा जो हार्ट शेप में जो हमारा बर्ड्स था उसको किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए गाइज आप लोगों को क्या करना होगा कि फिर से स्टेप टू ऐड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइज यहाँ पे जो वीडियोस फोटो वाला जो ऑप्शन है ना सिंपली से यहाँ पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे ना जो हार्ट शेप वाला जो बर्ड्स है गाइज ये वाला जो बर्ड्स है ना आप लोगों को मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके वहाँ से आप लोग इजिली से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो गाइज सबसे पहले कुछ इस तरीके से ऐड जैसे ही करोगे यहाँ पर देख सकते हो गाइज नीचे काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्रॉप का एक ऑप्शन है, सिंपली से इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से गाइज अपने स्काई को जो नीचे का यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ इस तरीके से जैसे ही जूम करोगे ना तो वो रिमूव हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद गाइज यहाँ से आप लोगों को इसको कर देना है डन। डन करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रोमा का एक टूल मिलेगा। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे क्रोमा का टूल मिलेगा। सिंपली से इस क्रोमा वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है गाइज इसका जो इंटेंसिटी है इसको 40% तक रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से इसको मैं कर दूंगा डन एंड डन करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से ना इसको जूम करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कुछ इस तरीके से जूम करना और जूम करने के बाद गाइज यहाँ इसको जहाँ पे सेट करना चाहते हो वहाँ पे कर देना। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर दूंगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो वीडियो है बर्ड्स हार्ट शेप वाली कितनी मस्त तरीके से यहाँ
यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ। गाइज आप लोग भी कुछ अच्छी तरीके से अपनी वीडियो को सेट कर लेना, वीडियो पे बर्ड्स को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद गाइज अब यहाँ पे जो हमारा मेन वीडियो एडिटिंग था वो तो हो चुका है कंप्लीट। अब गाइज आता है हमारा मेन चीज, जो हमारा साउंड है और जो लिरिक्स होता है ना ब्लैक स्क्रीन वाली, उसको किस तरीके से ऐड करना है। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को सिंपली से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से वीडियोस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा एक ब्लैक स्क्रीन की वीडियो, ठीक है, उसको जिसको मैंने इंस्टाग्राम के अंदर से डाउनलोड किया है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग भी उसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ऐड करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने मेन वीडियो पे आना है, ठीक है, और आने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से इफेक्ट्स पे क्लिक करना। और गाइज यहाँ पे ना एक इफेक्ट्स लगाना है जिसका नाम है जूम इन, ठीक है, ये वाला। तो जूम इन वाला इफेक्ट्स लगाना एंड यहाँ से इसको डन कर देना। अब गाइज यहाँ पर देखो आप लोगों की जो वीडियो है ना वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अब अगर चाहो तो इसका जो सॉन्ग है गाइज, इसका सॉन्ग भी मैं दे दूंगा, जो यहाँ से क्लिक करके ना यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं साउंड ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज यार कॉपीराइट आ सकता है अगर मैं साउंड ऐड करके आप लोगों को वीडियो फाइनल दिखाऊं तो, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो का साउंड जो है उसको ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है, मैं दे दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर एंड सारे स्टॉक्स दे दूंगा। तो अब गाइज मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। आई नो आप लोगों को साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए माफ करना, बिकॉज यार आप समझ ही सकते हो हमारी वीडियो पे थोड़ा खतरा होता है इसलिए। बाकी गाइज आप लोग यहाँ पे वीडियो देखना बहुत ही अच्छी, सेम जिस तरीके से आप लोगों ने प्रीव्यू देखा था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारी वीडियो जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को इस टाइप की वीडियो को किस तरीके से बनाना है और आप लोगों को इन बर्ड्स को कहां से डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो यार अपने भाई को कमेंट करके जरूर से बताना। अब गाइज सिंपली से इस वीडियो को सेव करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको डन कर देंगे। तो ये वीडियो गाइज हमारे गैलरी के अंदर सेव होना ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम इस चैनल पर रोज लेकर आते रहते हैं। तो चलिए गाइज हम मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।